नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 27 दिसंबर 2019 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताऊँगा, और उसके बाद जो मैंने जो बाय सेल लेवल लिखा हो उसको कल का हिसाब से आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्मेंस रहा, और इनसाइड द बार स्ट्रेटजी में भी कैसे परफॉर्मेंस रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का, वो भी दिखाऊँगा। आप लोग मेरा अगला वीडियो बाय सेल लेवल परफॉर्मेंस और इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे परफॉर्म किया वो वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, और इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। तो इसका आप लोग अंत तक जरूर देखिए और मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैंने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन देता हूँ वो आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा, और बाय सेल लेवल का जो रिकमेंडेशन देता हूँ वो भी रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है, चार्ट का सेटअप है, जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखते हैं निफ्टी फिफ्टी कैसे हो सकता है कल के दिन में। कल के दिन में देखिए, ये जो मैंने निफ्टी फिफ्टी का चार्ट ओपन किया हूँ, तो इसका जो मैंने जो रिकमेंड किया था कि ये नीचे आने वाला है, तो ये देखिए ये फिबोनाची लेवल 38.2% जस्ट 38.2% को क्रॉस टच करके ये रुक गया है, और जरा थोड़ा सा ऊपर क्लोज दिया है। तो इधर 38.2% का नीचे आएगा तो मतलब ये 12,120 के नीचे आएगा, तो ये इसका फर्स्ट लेवल 12,070 हो सकता है, 12,064 हो सकता है, उसके बाद 12,016 हो सकता है, उसके बाद 11,840 तक आ सकता है। तो इधर चार्ट का जो पोजीशन रहता है, मेरा जो चार्ट का सेटअप है उसका जो पोजीशन रहता है, तो वो भी वही इंडिकेट कर रहा है कि नीचे जाने वाला है। और निफ्टी बैंक का देखता हूँ चार्ट क्या बोल रहा है। निफ्टी बैंक का देखिए, इधर ऊपर जाते जाते ये फिर से ये डाउन ट्रेंड में आने का कोशिश कर रहा है। इधर पूरा जो क्रॉसओवर नहीं हो पाया है, लेकिन क्रॉसओवर होने का कोशिश कर रहा है, और इधर भी अभी तक डाउन ट्रेंड में नहीं आया है। इधर 38.82% का थोड़ा सा ऊपर ये क्लोज हुआ है, इसका 21,960 के नीचे ये 31,780, उसके बाद 31,600, उसके बाद 31,020 या 31,000 के थोड़ा सा ऊपर आ सकता है, उसके बाद 30,450 तक आ सकता है। तो देखते हैं ये डाउन में जाने का, अभी थोड़ा सा डाउन जाने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है मेरे को। और ऑप्शन चेन भी एनालिसिस करता हूँ। ये निफ्टी का देखिए, 2 जनवरी का मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी का मैंने चार्ट ऑप्शन चेन ओपन किया हूँ। इधर पीसीआर रेशियो 0.88 है, मतलब ये 0.75 और 1 के बीच ये साइड मूवमेंट ही देता है यूजुअली। तो देखना पड़ेगा, ये अभी थोड़ा सा साइड मूवमेंट चलता रहेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके नीचे आने का कोशिश करेगा ऐसे ही लगता है, क्योंकि इधर जो 12,200 में इसका रेजिस्टेंस बना है, और इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है कॉल साइड में, और इधर 12,000 में इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट बना है। इस इधर लॉन्ग पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, इधर कॉल साइड का पूरा ऑप्शन चेन में शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है, और इधर लॉन्ग ऑप्शन चेन में इधर लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है, लेकिन 12,000 के ऊपर में इधर शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है। तो मतलब 12,000 तक, 11,950 तक ये आ सकता है। तो और इसका बैंक निफ्टी का देखता है, इसका बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो पीसीआर रेशियो है, एक के थोड़ा सा नीचे आया है, 0.97 हुआ है। इधर 32,500 में इसका कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, इधर 32,500 में रेजिस्टेंस है, इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 31,500 में दिखाई दे रहा है। तो इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है,
इधर भी शॉर्ट ऑप्शन चेन, टोटल ऑप्शन चेन में इधर शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है, इधर लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, इधर आई बी बी मतलब गिर गया है, तो साइडवेज एंड डाउन, थोड़ा सा साइडवेज एंड डाउन जाने का प्रोबेबिलिटी है। तो इधर देखते हैं, मैंने प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन किया हूँ 7 दिन का हिसाब से। देखिए इधर 12,000 में इसका सपोर्ट है और इधर 12,200 में रेजिस्टेंस है, इधर 12,200 का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, लेकिन ये 7 दिन का हिसाब से दिख रहा है। और इधर बैंक निफ्टी भी 7 दिन का हिसाब से अप ट्रेंड में दिखा रहा है, देखना पड़ेगा इसको क्या होगा, तो कैसे रहेगा देखता है। और मैंने जो बाय सेल का रिकमेंडेशन देता हूँ आप लोग को रेगुलर बेसिस पे, और उसका परफॉर्मेंस आज का देख लेते हैं एक बार, निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म किया। पहले बाय सेल लेवल देखता हूँ, उसके बाद देखना पड़ेगा कि इनसाइड द बाय जो स्ट्रेटजी है उसमें आया कि नहीं आया है, आने आया था भी तो अभी इसका क्या परफॉर्मेंस रहा। देखिए बैंक निफ्टी का जो कल का जो लेवल था 32,333 और बाई लेवल और 32,305 इसका सेल लेवल, तो चार्ट में एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म किया है। तो 32,270 के ऊपर ओपन हुआ है, 32,200 ऊपर ये इसका ओपन हुआ है, 32,200 के ऊपर ही इसका ओपन हुआ है, 32,229 के ऊपर ओपन होने के बाद 32,339 तक ये ओपन गया था, लेकिन इसको इस लेवल मतलब मार्केट ओपन होने के साथ साथ ही मतलब ये दे जाता था, इसको अब लोग पकड़ नहीं पाते थे। उसके बाद ये इसका सेल लेवल आया था 32,305 में, 32,305 से ये सेल लेवल आप लोग पकड़ लेते तो इधर 32,305 से इसका देखिए इसका लो हुआ था 246 फर्स्ट 5 मिनट में ही, तो इसका लो जब थोड़ा था देखिए आप लोग इधर मैंने बोलता हूँ कि जब भी कुछ गैप होगा गैप डाउन होगा उसका नेक्स्ट लेवल देखिए, अगर 32,262 या 205 भी आप लोग एंट्री ले सकते थे, इधर 32,000 इधर जो नेक्स्ट लेवल था सोच लीजिए इधर 32,262, तो 32,262 से आप लोग एंट्री ले सकते थे इधर। उसके बाद ऊपर ज़्यादा दूर गया नहीं था 32,203, उसके बाद नीचे ही रहेगा, पूरा नीचे ही रहेगा, या ये आ गया है 31,945 तक, तो इधर आप लोग को अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। और इधर इस फाइल में भी एक बार देख लेते हैं इस फाइल में क्या बोलता है, आप लोग कौन सा फाइल शेयर करता हूँ और कौन सा फाइल में क्या रहता है आप लोग जरा चेक कर लीजिए। अगला वाला वीडियो जो है 32,454 लेवल का आया नहीं था, 32,313 का लेवल था, 32,313 का से ये गिर गया है 31,945 तक। अच्छा, और बैंक निफ्टी का क्या पोजीशन देख लेते हैं एक बार, 32,270 का ऊपर है, 32,248 को सेल लेवल रहता था, तो इधर 32,270 ऊपर तो ओपन नहीं हुआ था, इधर ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद ये 32,270 तक गया नहीं था। उसके बाद इसका नीचे का लेवल था, नीचे का लेवल आया था इधर 32,248 का नीचे, 32,248 का नीचे ये जब गया है तो ये सॉरी 32,248 के नीचे ये 12,120 तक आ गया है, ठीक है। और इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को भी एक बार देख लेते हैं, इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इसमें देखता है वन डे टू डे और एना सेवन में कुछ टू दिखा रहा है क्या, कुछ भी में वन डे का टू दिखा रहा है या टू डे का, देखिए इधर वन डे का टू भी दिखा रहा था बैंक निफ्टी और टू डे का भी टू दिखा रहा था और एना सेवन भी टू दिखा रहा था, तो इधर बैंक निफ्टी को देखते हैं वन डे का हाई लो मैं हम लोग पकड़ लेते हैं, इधर डे वन आप लोग को इधर दिखाएगा और डे टू आप लोग को इधर दिखाएगा, मैंने आज जो बाइसल लेवल दिखाऊंगा तो इधर इनसाइड द ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी आप लोग को दिखाऊंगा जब मैं मतलब जब अपडेट करूंगा, तो आज का हाई लो क्लोज जब अपडेट करूंगा तो ये आप लोग को दिखाई देगा।